में जो तमाम खास मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे बीजेपी की तरफ से, शुचि विश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सतीश प्रकाश जी दलित चिंतक के तौर पर मेरे साथ में। आनंद दुबे जी, विस्तार हो चुका है, स्वरूप सामने आ चुका है, लेकिन सवाल मेरा वही है कि आखिर संजय निषाद कहाँ गए, जो सुबह से चर्चा थी और बधाइयों का भी सिलसिला था, संजय निषाद कहीं नजर नहीं आए। नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन भी चेहरों को कैबिनेट में शामिल करना था जी, किनसे क्या कार्य लेना है और किनकी क्या दक्षता है, इसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेहरों का चयन किया है। निश्चित रूप से संजय निषाद जी हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं और उनके लिए पार्टी ने उनसे सहमति के आधार पर जो भी भूमिका तय की होगी उसका वो निर्वहन करेंगे। कुल मिलाकर यह है कि यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार था जिसको मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से और अपनी उपयोगिता के अनुसार इनका चयन किया है। और आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आपको इस कैबिनेट के चेहरों पर वो बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किस तरह से सभी वर्गों को समाहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नई कैबिनेट का जो है वो विस्तार किया है। ठीक है, लेकिन सुप्रिया सत्यम जी से सबसे पहले मैं अभी ये समझने की कोशिश करूंगी। सुप्रिया सत्यम जी, जिस तरह से पूरा विस्तार है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कहा जाए हर वर्ग तो ठीक है, हर एक क्षेत्र को भी जरूर साधने की कोशिश इस दौरान की गई है। देखिए, मैं इस पूरे बदलाव को जो है, मेरा जो देखने का नजरिया है वो, मैं इसको सोशल इंजीनियरिंग और जातीय गणित में साधा गया है जी। और चुनाव स्तर पे है, सबको पता है, और इस वक्त ये बदलाव निश्चित तौर पर, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप जातीय गणित को इनकार नहीं कर सकती है। सबका साथ सबका विकास, सबका वो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि आप जब तक उनके जात के लोग मंत्री नहीं बनेंगे तो जो लोग होते हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं सीधे तौर पर। और ओबीसी मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली और निर्णायक वोट बैंक है जिसको नकारा नहीं जा सकता, और उसको साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। और बीजेपी को सत्ता में लाने की, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए ओबीसी ने एक अहम भूमिका निभाई है, और शायद यही वजह है कि आज आप देख लीजिए कि केंद्र में भी 27 मंत्री जो है ओबीसी है, और कहीं ना कहीं इस ये जो बदलाव है इसमें भी ओबीसी को स्थान दिया गया। बिल्कुल, सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सतीश जी, नहीं देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में अगर आप इसको देखेंगे कि ये शायद पहली एक ऐसी घटना है कि बिना बहुमत संकट के और चुनाव से 2 महीने पहले आप मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं। आमतौर पे मंत्रिमंडल विस्तार जब आपकी सरकार जाने वाली हो, एक बात तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये बात मान चुकी है कि वो सत्ता में कहीं ना कहीं नहीं आ रही है, सत्ता वो जाने वाली है, और सत्ता खोने का डर ही उसको मजबूर कर रहा है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार करे। जहां तक इसको आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, अभी 4 दिन पहले यही बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बाकायदा एफिडेविट फाइल किया है कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं होने देंगे, और जो ओबीसी की जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, उनको झूठा बताने की बात करिए। तो जो उत्तर प्रदेश की तमाम जो छोटी छोटी जातियां, जैसा आपका कटीक है, आपका प्रजापति है, उन लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं एक संकट है, और उत्तर प्रदेश का जो किसान है, पंजाब और उत्तर प्रदेश का, वो सारा का सारा सड़क के ऊपर बैठा है। तो ये बीजेपी भी मानती है कि मंत्रिमंडल विस्तार करके वो कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन सतीश जी, आज जब किसान सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जिन किसानों की नाराजगी की हम बात कर रहे हैं, आज जब मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन में पहुंचे थे तो एक तरह से उनकी नाराजगी दूर करने की बात जरूर कही गई है। शुचि विश्वास भी मेरे साथ में है। शुचि, मैं आपका रुख करूं, लेकिन जल्दी से पहले मेरे सहयोगी आदर्श का रुख कर लेते हैं जो इस समय मौजूद है राजभवन के बाहर। आदर्श, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और जो नाम सुबह से टाइम्स ऑन अब भारत और आप जो बता रहे थे उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। Thank you.
बिल्कुल नैना, सात मंत्रियों के हमने पहले ही सबसे पहले बताया था टाइम्स नाउ और भारत के दर्शकों की ये सात संभावित नाम हैं और उसी नाम पर मुहर लगी है। ये सातों मंत्रियों का शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है और अब जो औपचारिकताएं होती हैं उसके बाद जो हाईटी का प्रोग्राम होता है वो चल रहा है। माना जा रहा है कुछ देर बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाएंगे। यहाँ पर जो तमाम सरकार के वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री की बात करें या और दूसरे मंत्रियों की बात करें, ये सभी पहुँच चुके हैं, शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो उनके सहयोगी हैं वो भी मौजूद हैं। यहां पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो उनके जो समर्थक हैं वो यहां पर फूलमालाएं लेकर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे समर्थक हैं अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहां से आए सर आप? हम हस्तिनापुर क्षेत्र से हैं। हस्तिनापुर से दिनेश खटिक जी के इलाके? दिनेश खटिक जी के क्षेत्र से। तो क्या खुशी है आप लोगों में? बहुत उत्साह है सारे क्षेत्र में मंत्री बनने पर विधायक जी के। देखिए ये फूल माला लेकर आए हुए हैं हस्तिनापुर, दिनेश खटिक मेरठ का जो विधानसभा सीट है वहां से आए हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नैना। ये बेहद अहम होता है क्योंकि इनके इलाके के हैं और ऐसे में एक और मैं आपको रोचक बात बता दूं, हस्तिनापुर मेरठ की वो सीट है जो अभी तक अगर आप इतिहास उठाकर देखें आजादी के बाद से तो अभी तक जो भी उस सीट पर जीता है, जिस पार्टी का विधायक उस सीट पर जीत कर आया है, उसी की सरकार यूपी में बनी है, ये इतिहास रहा है। और ऐसे में योगी सरकार ने उस सीट को भी साधने की वहां खेला। बिल्कुल, अब आखिरी के छह महीनों में जिस तरह से कहा जाए हर वर्ग को साधने की कोशिश है। शुचि विश्वास जी का रुख करूंगी। शुचि जी, जिस तरह से सुप्रिया जी और आनंद दुबे ने भी कहा, खासतौर से ओबीसी वोट बैंक को भी जरूर साधने की कोशिश की गई है। ओबीसी वोट बैंक खासतौर से कहा जाए एसपी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था, अब उन्हें भी क्या आपको लगता है कि वो डाइवर्ट होते हुए नजर आता है? उन्हें भी साधने की कोशिश इस दौरान जरूर की जा रही है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ओबीसी वोट बैंक की बात करेंगे तो जिस समय केशव मौर्य जी का अपमान हुआ, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के चेहरे का चयन हुआ, उनको साइड लाइन किया गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर उनके नाम की पट्टिका हटा दी गई और फिर विगत 4.5 वर्षों में जो संघर्ष और कसर चलता रहा डिप्टी सीएम और सीएम के बीच, उससे पत्रकार के तौर पर आप और राजनेता के तौर पर हम अनदेखे नहीं है। तो ये पता है ओबीसी वोट बैंक को भी कि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति की संविधान की प्रतियां जलाने वाले और मनुस्मृति के उन पर्टिकुलर श्लोकों की बड़ाई करने वाले लोग हैं, तो वो समाज कभी इनका साथ देने के लिए न था और न है। और जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है शुचि जी, पता भी नहीं करते हैं, और भागवत साहब उन्हीं से पैर धुलवाते हैं, तो इसलिए जितिन प्रसाद को लेकर क्या कहेंगी जी? शुचि आप मुझे सुन पा रही हो तो जल्दी से जितिन प्रसाद को लेकर कोई रिएक्शन देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, शुभकामनाएं जितिन प्रसाद जी को भी और सभी जो नव नियुक्त हुए हैं, इस आशा के साथ कि उन लोगों ने संवैधानिक पदों की शपथ ली है, अपने व्यक्तिगत हितों और एम्बिशंस को किनारे रखते हुए वो जनमानस के हितों और मुद्दों का ध्यान रखेंगे, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल एस्पायरेशन बहुत हाई हो और व्यक्ति हाईली एम्बिशियस हो तो वो विपक्ष से आया हुआ व्यक्ति हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, ये जनता के लिए अहितकारी होता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं। लेकिन शुचि कहा जाता है राजनीति में महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा आगे बढ़ाती है और यही एक तस्वीर भी नजर आती है। समय की कमी है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब नया विस्तार, नया स्वरूप योगी कैबिनेट का हो चुका है, सात मंत्रियों ने शपथ ली है। जैसा कि लगातार टाइम्स ऑन भारत बता रहा था, जितिन प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। तस्वीर अब से कुछ देर पहले की।